हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप बच्चों को समझाने वाले हैं कि किस तरीके से प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में बांटा जाता है। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और तमाम बच्चे जो चाहे यूजी में पढ़ाई कर रहे हों, चाहे पीजी में पढ़ाई कर रहे हों, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, हम डिफरेंट कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगी। इसके अलावा वहाँ पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप चाहे तो ये पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इफेक्ट को किस तरीके से बांटा जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नोट्स आप बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि हमारी जो इनकम है, हम यही मान के चल रहे हैं, इनकम जो है वो रुपीज 100 है, प्राइस जो एक्स का है वो 20 रुपीज का है और प्राइस जो है वो वाई का वो 10 रुपीज का है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए और हम जो है वो 3x और 4y का यूज कर रहे हैं, यानी कि 60 रुपए इस पर खर्चा किया, 40 रुपए इस पर खर्चा किया, 100 रुपए का हमने पूरा खर्चा कर दिया। अब मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो फॉल कर जाता है और फॉल करके हो जाता है फ्रॉम रुपीज 20 to 10। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब प्राइस पी वाई जो है वो 20 की जगह 10 का हो जाएगा, तो डेफिनेटली कंज्यूमर अपने कॉम्बिनेशन में बदलाव करेगा और अब वो एक्स वस्तु को पहले से ज़्यादा खरीदेगा, 4x खरीदेगा, 5x खरीदेगा, 6x खरीदेगा या 10x खरीदेगा, 8x खरीदेगा, ये मैटर नहीं है, लेकिन आज ज़्यादा खरीदेगा। तो सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो 7x का यूज़ कर रहा है और 3y का, हम ये मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 3x से, इसका मतलब देखिए क्या, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ऑफ एक्स ले लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स ले लेते हैं। जब प्राइस एक्स का 20 रुपये था तो कंज्यूमर 3x यूज करता था और जब प्राइस 10 हुआ तो कंज्यूमर ने 7x का यूज करना शुरू कर दिया। यानी कि इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट इफेक्ट्स। तो ये किसकी वजह से हुआ है? प्राइस इफेक्ट की वजह से हुआ है, यानी कि कीमत के गिरने से आपने ज्यादा वस्तु खरीदी, लेकिन ये प्राइस इफेक्ट। लेकिन हुआ क्यों है? देखिए, दो वजह हो सकती है। नंबर वन, प्राइस के गिरने से कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर, रियल इनकम कैसे निकालेंगे? वाई अपॉन पी करके, रियल इनकम। यानी कि जो नॉमिनल इनकम है उसको प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो उसे रियल इनकम कहते हैं। यानी कि प्राइस के गिरने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि प्राइस अगर सस्ता हो जाएगा तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, यानी कि अगर मान लीजिए टमाटर जो है वो सस्ता हो जाए तो मैं अपनी इवन मेरी जो भी इनकम है उस पर मैं पहले से ज़्यादा टमाटर बाय कर पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से जो डिमांड राइज की उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। दूसरा, जैसे प्राइस कम की एक्स ने, अब प्राइस जो है वो रिलेटिवली चीपर हो गई। यानी कि कंज्यूमर क्या करेगा, जो चीज चीपर होगी उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसको बढ़ा देगा। इसका मतलब जब एक चीज में प्राइस इफेक्ट आता है तो दो इफेक्ट साथ साथ चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। यहां पर समस्या यह होती है कि प्राइस इफेक्ट में से कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और कितना इनकम इफेक्ट, इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि यह तो हमें समझ में आ गया कि जब एक गुड्स का प्राइस गिरता है, नंबर वन, जब एक गुड्स का प्राइस गिरता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ती है, यह हमें समझ में आ गया, इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट। और हमें यह भी समझ में आ गया, अभी तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही प्राइस गिरता है प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस इफेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को जोड़कर बनता है, हम ये भी बोल सकते हैं।
अब प्राइस इफेक्ट में से कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, कितना इनकम इफेक्ट है, ये समझाने के लिए दो मेथोडोलॉजी यूज की जाती हैं, जिसमें से एक है हेक्सियन अप्रोच, दूसरा है स्लेस्की अप्रोच। तो दोनों के बारे में ही मैं इस वीडियो में आप बच्चों से बात करूंगा। तो हम नॉर्मल गुड्स का केस लेके चलेंगे। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे चलिए पहले मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ। देखिए ये बातें जो मैंने आपको बताई वो सब की सब यहीं लिखी हुई हैं, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम इन्फीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स के केस को किसी और वीडियो में समझेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं केवल और केवल नॉर्मल गुड्स के केस में। तो नॉर्मल गुड्स के केस में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो इनकम इफेक्ट होता है इट विल बी पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमें पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और प्राइस इफेक्ट जो होता है वो इसकी वजह से नेगेटिव होता है। देखिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा, यहां पे ऐसा नहीं मत समझना कि माइनस प्लस जोड़ के माइनस आया है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बेसिकली आपको समझना है कि ये बात कि जब प्राइस गिरती है एक्स की, तो प्राइस गिरने से कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो गुड्स है, जैसे मैं लिख देता हूं पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि एक्स का प्राइस गिरने से गुड्स जो है वो रिलेटिवली सस्ती हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि प्राइस गिरा एक्स का, प्राइस गिरने से जो रियल इनकम है वो बढ़ गई और गुड्स कंपैरेटिवली सस्ती हो गई, यानी कि पी एक्स अपॉन पी वाई, मान लीजिए पहले 20 का था तो 2 आता था, अब 10 का हो गया तो 10/10 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर की जब रियल इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर गुड्स की जो क्वांटिटी है एक्स की वो बढ़ा देगा, इसकी वजह से भी जो क्वांटिटी है एक्स की वो बढ़ेगी, यानी कि ओवरऑल मतलब मान लीजिए इनकम बढ़ने से 10 यूनिट क्वांटिटी बढ़ी और गुड्स कंपैरेटिवली सस्ती होने की वजह से भी 10 यूनिट क्वांटिटी बढ़ी, तो इसकी वजह से जो क्वांटिटी है एक्स की वो भी बढ़ जाएगी और ओवरऑल क्वांटिटी डिमांड जो बढ़ेगी वो 20 बढ़ेगी। यानी कि आपको बेसिकली याद रखना है कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, इसका मतलब प्राइस के गिरने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस के गिरने के दो इफेक्ट होते हैं, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई, रियल इनकम का मतलब ये वाला कंडीशन, और गुड्स कंपैरेटिवली सस्ती हो गई जिसकी वजह से भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। अब हम आपको स्लेस्की और हिक्सियन का अप्रोच का डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हिक्सियन अप्रोच की बात करते हैं। देखिए डायग्राम हम अपना पुराने वाला ही बना लेते हैं जिससे कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम 100 रुपये है, एक्स गुड्स 20 रुपये की है और वाई गुड्स 10 रुपये की। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बच्चों आपके लिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए हाँ यहां पे लिख देता हूं मैं, हम ये लिख लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो 20 रुपीज है, पी एक्स 20 है, सॉरी इनकम 100 है और पी वाई जो है वो 10 है। तो हम 3x और 4y कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं जब तक प्राइस में चेंज नहीं आया उस केस में। इसका मतलब ये हम LM ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा इनिशियल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसका मतलब कंज्यूमर जो है वो एक्स की 3 यूनिट यूज कर रहा है। प्राइस के गिरने से ये जो लाइन है, ये प्राइस के गिरने से ये जो लाइन है ये मान लीजिए इस तरीके से मूव कर गई। ये बच्चों हिक्सियन अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अब पहले से ज्यादा एक्स गुड्स का यूज करेगा। मान लीजिए ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, बी यानी कि कंज्यूमर जो है वो पहले एक्स 0 यूनिट यूज कर रहा था, अब एक्स 1 कर रहा है, यानी कि ये जो चेंज हुआ है ये प्राइस इफेक्ट की वजह से हुआ है। हम चाहें तो आपको पीसीसी भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम गंदा दिखेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसलिए हम पीसीसी ड्रॉ नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं बच्चों कि किस तरीके से हिक्स ने प्राइस इफेक्ट में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए कहा। तो मान लीजिए हम यहां पे ही मान के चल रहे हैं कि अगर पी एक्स ₹10 हो जाए, चलिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरह ले लेता हूं और समझाने में आसानी रहेगी, बाद में इसको बड़ा कर लेंगे। हाँ यहां पे देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए
मान लीजिए प्राइस पी एक्स 10 रुपीज हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, 7x का यूज कर रहा है और 4y का, सॉरी 3y का यूज कर रहा है, 7x और 3y का यूज कर रहा है। हिक्स कहता है कि अगर हमें यह पता करना है कि कितना प्राइस इफेक्ट है, देखो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स एंड कंज्यूमर मूव टू हायर इंडिफरेंस कर्व, दिस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट, हिज सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज। अगर हमें पता करना है कि प्राइस इफेक्ट में से कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और कितना इनकम इफेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से इस इनकम इफेक्ट को एंड कर देते हैं। यानी कि जब इस इफेक्ट को हम एंड कर देंगे तो जो इफेक्ट बचेगा वो केवल ये वाला इफेक्ट ही बचेगा। यानी कि जितना एंड हुआ वो इनकम इफेक्ट होगा, जो बचेगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। तो यहां पर हमें ये पता तो चल चुका है कि प्राइस इफेक्ट कितना है, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हमें ये पता चले कि इस प्राइस इफेक्ट में से कितना इनकम इफेक्ट है, कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसके लिए हिक्स कहते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम को इस तरीके से घटा दिया जाए कि कंज्यूमर की पुराने इंडिफरेंस कर्व पर वापस आ जाए, यानी कि अगर हम इनकम मान लीजिए माइनस कर देते हैं 30 रुपीज से, तो इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर अब क्या करेगा, पुरानी वाली कंडीशन में वापस, यानी कि पुराने इंडिफरेंस कर्व पे वापस आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्या करना है, कंज्यूमर की इनकम को घटाना है। ये देखिए L2 M2, इसके पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है। किसके पैरेलल होगी ये लाइन, ये लाइन पैरेलल होगी L इसके LM के, ये LM1 के पैरेलल होगी, LM1 के पैरेलल लाइन खींचेंगे L2 M2, देखिए बिल्कुल पैरेलल खींचेंगे। अब ये थोड़ा सा पैरेलल नहीं है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप पैरेलल खींच लीजिएगा। तो यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट C हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि टू ऑफसेट दिस गेन वी मस्ट टेक अवे फ्रॉम द कंज्यूमर इनफ इनकम टू फोर्स हिम टू कम बैक हिज ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व। यानी कि कंज्यूमर की इनकम को इस तरीके से घटाया जाएगा कि कंज्यूमर अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाए। अब मान लीजिए अगर मैं सपोज कीजिए इसको दोबारा बनाने की कोशिश करें, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि इसको इंटरसेक्शन जरूर कराना है किसी ना किसी पॉइंट पर। मैं इसको हटा देता हूं, ओहो बच्चों पूरा लिखा हुआ डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। आपको तो बेसिकली कंसेप्ट समझना है, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता था, ठीक है। देखिए तो यहां पे ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सी, यानी कि ये वाला, यानी कि कंज्यूमर अब क्या करेगा, 4 यूनिट यूज करेगा एक्स की और 3 यूनिट यूज करेगा वाई की। तो इसका मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बिठा सकता है। तो ये वाला जो है X1, ये कहलाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कि बचा हुआ है बस। इसका मतलब यहां से लेके 3 से, यानी कि अगर हम बोलें कि X0 से लेके X2 तक, X0 से लेके X2 तक ये हमारा था प्राइस इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है, X0 से लेके X1 तक ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और जो खत्म हो गया ये वाला हिस्सा जो एंड हो गया, दिस वन, यानी कि X1 से लेके और X2 तक, ये वाला हमारा कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन, ये X2 लिख लेते हैं, सॉरी इसको हम X2 लिख लेते हैं, X0, X1, X2। तो X0 से लेके X2 तक हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और X2 से लेके X1 तक हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो प्राइस इफेक्ट है। बच्चों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका डायग्राम बनाने का सिखा देता हूं, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपको एक ऐसा तरीका हम सिखा देते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से आप डायग्राम बना सको, कुछ भी कंफ्यूज नहीं करना है। नंबर 1 आपको ये लाइन खींचनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपको ये लाइन खींचनी है, मैं आपके लिए खींच देता हूं नंबर 2, और नंबर 3 आपको लाइन खींचनी है जो नंबर 2 के पैरेलल होगी। लीजिए जी, पैरेलल नहीं है तो लो मैं पैरेलल बना देता हूं, अगर आपको लगता है पैरेलल नहीं है तो पैरेलल हो गई, लो ये लाइन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आपको करना क्या है कि एक पॉइंट लेना है इसके ऊपर ए, बी लेना है यहां पे और सी ले लेना है इसके ऊपर। यानी कि 1 लाइन के ऊपर ए लिया हमने, 2 लाइन के ऊपर बी ले लिया, सी लाइन के ऊपर, 3 लाइन के ऊपर सी ले लिया। अब इसको नाम भी देने हैं तो इसको हम बोल देते हैं एल एम
M1, L2, M2 ये नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एक इंडिफरेंस कर्व से इन दोनों को जोड़ेंगे, A और C को, दिस इज कॉल्ड IC1, और दूसरा इंडिफरेंस कर्व हम ऊपर बना देंगे IC2। बिल्कुल सिंपल सी बात हमने की। अब ये वाला जो है A, इसको हम बोल देते हैं X0, ये बोल देते हैं X2 क्योंकि ये बाद में आएगा, और ये वाला कहलाएगा हमारा X1। आपको याद रखना है कि ये हिस्सा जो है ये प्राइस इफेक्ट है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यहां से लेके यहां तक हमारा इनकम इफेक्ट है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा प्राइस इफेक्ट है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इसका मतलब ये यहां से लेके यहां तक का मूवमेंट ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और जो बचेगा सी से लेके बी तक वो इनकम इफेक्ट होगा, और ए से लेके बी तक हमारा प्राइस इफेक्ट होगा। तो ये बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो कि स्लेस्की के मेथड के माध्यम से हमने समझा। अब हम हिक्स के मेथड से हम समझा, अब हम सेम चीज को स्लेस्की के मेथड से समझ रहे हैं, और एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी करके आपको दिखा देते हैं, बाद में दिखा देंगे। मतलब देखिए स्लेस्की का अप्रोच, सेम चीज हम पहले बना लेते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है, हम डायग्राम नहीं बना रहे बच्चों, चलिए हम बना लेते हैं। आप कह रहे चाहते हो तो ये लीजिए, ए हो गया, ये IC1 हो गया, इस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है X0। प्राइस गिरेगा तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी कि कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद पाएगा। ये हमने कहा LM1, और पहले से ज़्यादा खरीदने का क्या मतलब हुआ कि अब जो नया इंडिफरेंस कर्व होगा वो ऊपर होगा। ये देखिए IC2 आ गया, ये हमारा X1 हो गया, इसका मतलब ये सारा का सारा प्राइस इफेक्ट है, सारा का सारा। स्लेस्की कहता है कि कंज्यूमर की इनकम को घटाया जाए, देखिए दोनों बात सेम कहते हैं, कंज्यूमर की इनकम को घटाया जाए ये भी यही बात कहते हैं, लेकिन यहां पे इसको कहते हैं कंपनसेशन वेरिएंस, यानी कि जितनी अच्छी स्थिति हुई है उतनी स्थिति खराब कर दी जाए, उसको बोलते कंपनसेशन वेरिएंस, और इसको बोलते कॉस्ट डिफरेंस, यानी कि जितने रुपए की इनकम बढ़ी प्राइस गिरने से उतनी इनकम वापस खींच ली जाए, यानी कि इस तरीके से इनकम घटाई जाए कि कंज्यूमर जो है वो पुराने कॉम्बिनेशन पे इंटरसेक्ट करता हुआ आगे की तरफ निकल जाएगा इस तरीके से। और कंज्यूमर अब क्या करेगा, अब नई इंडिफरेंस, नई बजट लाइन पे एक नई इंडिफरेंस कर्व को फाइंड आउट कर लेगा, जिसको हम IC3 बोल देते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये हिस्सा आपका कहलाएगा प्राइस इफेक्ट, सॉरी इनकम इफेक्ट। मैं आपको एक बार और डायग्राम बना के सिखा रहा हूं जिसमें हम दोनों ही मेथड में कंपैरिजन आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिएगा, मैं नंबरिंग, आप चाहोगे तो नंबरिंग कर दूंगा और नहीं चाहोगे तो कोई बात ही नहीं है। देखिए नंबर वन ये रहा, ठीक है, नंबर टू हम ये ले लेते हैं, और नंबर थ्री हम इसको ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, सेम डायग्राम हम यहां बना लेते हैं बच्चों। नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री, कोई डिफरेंस नहीं आया यहां तक आपको, कोई डिफरेंस है तो बताइए, मुझे तो नहीं लगता कोई डिफरेंस। नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं L M M1 L2 M2, सेम नाम यहां दे देते हैं L M M1 L2 M2। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पे आपको याद रखना है हिक्स के मेथड में आपको एक पॉइंट यहां लगाना है और एक पॉइंट यहां लगाना है, यानी कि ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। अब आपको क्या करना है, एक ही डायग्राम से इन दोनों पॉइंटों को जोड़ देना है, और ये तो ऊपर बनेगा ही बनेगा अलग से। इसके अंदर क्या करना है, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है यहां पे ग्राफ बनाना है, ध्यान से समझ लो बच्चों, ठीक है। और दूसरा आपको इससे नीचे बनाना है,
नई लाइन पे, और तीसरा आपको यहां बनाना है, यानी कि ये ए हो गया, ये सी और ये बी। इसके अंदर ये हमारा एक्स जीरो है, ये हमारा एक्स टू है, ये कहलाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सेम बात यहां पे भी लागू होगी, ये एक्स जीरो है, ये एक्स टू है, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये वाला हिस्सा जो है यहां से लेके यहां तक का, ये कहलाएगा इनकम इफेक्ट। सेम चीज यहां पे भी लागू होगी बच्चों, ये वाला हिस्सा कहलाएगा इनकम इफेक्ट, और ये पूरा का पूरा कहलाएगा प्राइस इफेक्ट। यानी कि बेसिकली हिक्स और सेलेस्की के जो अप्रोच है उसमें ये डिफरेंस बताया गया है कि यहां पे ये करता है कंपनसेशन वेरिएंस, और यहां पे ये करता है कॉस्ट वेरी, कॉस्ट डिफरेंस। यानी कि इसमें उसी पॉइंट पर इंटरसेक्शन करेगा, और इस केस में न्यू बजट लाइन पे न्यू डिफरेंस कब ढूंढेगा, जबकि इस वाले में पुराने डिफरेंस कर पे न्यू पॉइंट ढूंढेगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक और वीडियो हम आपको बनाएंगे जिसमें हिक्स का जो मेथड है उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि सब्स्टिट्यूट सॉरी गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफिन गुड्स, बट नॉट ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। उसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम आपको समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।